गाइज वेलकम टू आवर चैनल। गाइज आज हम बात करेंगे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर के फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के बारे में। दोस्तों आपको पता ही होगा टॉयलेट एक प्रेम कथा चाइना में कल रिलीज हुआ था और इस फिल्म को बहुत अच्छा शो टाइम मिला था, 56,000 शो टाइम मिला था चाइना में, जो इस फिल्म को बनाता है इंडियाज वाइडेस्ट रिलीज इन चाइना। दोस्तों अब बात करते हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों पहले दिन में टॉयलेट एक प्रेम कथा ने कलेक्ट किया है चाइना में 16 करोड़ रुपया, जो बहुत अच्छा कलेक्शन था इस फिल्म के लिए। और दूसरे दिन दोस्तों 50% का जंप करते हुए टॉयलेट एक प्रेम कथा ने कलेक्ट किया है 25 करोड़ रुपया। तो दोस्तों दो दिन का टोटल कलेक्शन चाइना में हो जाता है 41 करोड़ रुपया। और दोस्तों ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है इस फिल्म के लिए और मुझे लगता है अब ये फिल्म 100 करोड़ के ऊपर तो जाएगा ही और 120 करोड़ भी कमा सकता है चाइना में। दोस्तों ये तो मेरा ओपिनियन है, दोस्तों आपको क्या लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा कितना कमा सकता है चाइना में, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए और शेयर कीजिए अपना ओपिनियन इस वीडियो के बारे में। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हेल्प अस एंड गाइस सी यू लेटर विद अनदर इंटरेस्टिंग।